सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर देते हैं BGMI के 3.0 अपडेट की रिलीज डेट के बारे में। तो गाइस जो 3.0 की अपडेट है वो हमको 25 जनवरी को मॉर्निंग में देखने के लिए मिल जाएगा। आप 25 जनवरी को मॉर्निंग में अपडेट कर सकते हो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो, और अगर आप iOS यूजर है तो आपको 12 बजे के बाद जो है iOS में भी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन डेट सेम है, 25 जनवरी को एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में ही अपडेट आने वाला है BGMI का। ठीक है, अपडेट काफी ज्यादा झटिया है इसलिए अपडेट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और नेक्स्ट आपको बता देते हैं जो हमारी विंटर क्रिएटिव वो कब उड़ने वाली है BGMI से। तो यार देखो यहाँ पे कुछ चमन चूती और झिंगरों का कहना है कि 17 जनवरी को ये क्रेट उड़ जाएगी। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इन लोगों की बात सुनने का बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना इन बातों पे, ठीक है ना। अगर आप गेम में भी जाते हो ना तो जब डेवलपर्स खुद आपको बता रहे हैं वहाँ पे कि कब ये क्रेट खत्म होने वाली, तो आपको दूसरों की बातें सुन के क्या ही फायदा है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि 25 जनवरी सुबह 5:30 बजे के बाद ये क्रेट जो है विलुप्त हो जाएगी BGMI से। तो अगर आपने यूसी बचा के रखी है विंटर क्रेट ओपन करने के लिए तो 24 जनवरी इज द लास्ट डेट, 24 जनवरी तक आप इस क्रेट को ओपन कर लेना, क्योंकि 25 जनवरी को सुबह 5:30 बजे खत्म हो जाएगी। 5:30 बजे से पहले अगर कर लेते हो क्रेट ओपन तो कर लोगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट बात कर देते हैं यूसी बोनस चैलेंज के बारे में। तो जो यूसी बोनस चैलेंज वाला जो इवेंट था, या फिर कह दो जो चैलेंज मिशन भी कह सकते हो, मैचेस भी कह सकते हो, तो ये आपको देखने के लिए वापस मिल सकता है BGMI के अंदर। काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि हमको 2 या 3 महीनों के अंदर यूसी बोनस चैलेंज वापसी करता हुआ दिख जाएगा। और क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैं कोई भी बात आपको बता देता हूँ उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाता हूँ कि मैं कोई भी हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमसे पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ पे BGMI ने एक सर्वे किया था जिसमें सारे प्लेयर से कुछ यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि कौन सा ऐसा पुराना आइटम लिया जाए वापस आया तो आप उसको परचेज करना चाहोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था M4 ग्लेशियर का भी, और बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे M4 ग्लेशियर के ऊपर टैप किया और रिजल्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट महीना दिसंबर में हमको जो है विंटर क्रेट में M4 ग्लेशियर देखने के लिए मिल गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसी सर्वे में एक और सवाल ये था कि कोई ऐसा इन गेम फीचर जो कि BGMI में वापस आना चाहिए, और उसमें भी ऑप्शन दे रखा था यूसी बोनस चैलेंज का। और इतना मैं जानता हूँ कि इंडिया में मैक्सिमम जो मेजोरिटी वोट्स है ना वो गए होंगे यूसी बोनस चैलेंज के ऊपर, पक्का मैं बता सकता हूँ। सबसे ज्यादा बंदों ने इसी के ऊपर टैप किया होगा और इस चीज के ऊपर जो टीम है क्राफ्टन की BGMI की वो वर्क कर रही है, और 3 महीने के अंदर ही अंदर हमको ये यूसी बोनस चैलेंज वापस दिख जाएगा BGMI के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको कन्फर्म बता दिया 3 महीने में, या फिर हो सकता है 4 महीने भी लग जाए, लेकिन इस ईयर तो पक्का ही आपको जो बोनस यूसी चैलेंज है वो देखने के लिए मिल जाता है। हो सकता है कि फरवरी या मार्च में ये जो है वापसी करवा दें। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात कर देते हैं जो हमारा यूसी बोनस इवेंट है वो कब आएगा। तो गाइज देखिए मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, यूसी स्टेशन और यूसी बोनस चैलेंज इन दोनों के आने के चांसेस है। अगर यूसी स्टेशन आ गया तो फिर बोनस इवेंट नहीं आएगा, ठीक है, और बोनस इवेंट आ गया तो फिर यूसी स्टेशन तो आएगा ही नहीं। तो जो भी है दोनों में से एक चीज़ आएगी, और आएगी कब ये भी मैंने आपको बता दिया है, 1st week of February में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि महीने में एक ही बार बोनस यूसी इवेंट आते, जनवरी में आ चुका है, तो जनवरी में अब नहीं आएगा, सीधा फरवरी में ही आपको अब जो है यूसी बोनस इवेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर बाय चांस यूसी स्टेशन ने वापसी कर ली तो फिर बोनस इवेंट नहीं आएगा, फिर यूसी स्टेशन से आपको जो है काम चलाना पड़ेगा। तो ये इतनी चीज कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट बात कर देते हैं कि यहाँ पे हमको पबजी मोबाइल में जो है एक अपग्रेडेड डासिया की स्किन देखने के लिए मिली है, लकी स्किन के अंदर मिडनाइट डासिया, और इसी के साथ काफी सारी पिछली स्किन जो कि पुरानी स्किन थी वो भी हमको काफी सारी देखने के लिए मिली है। तो ये लकी स्किन ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। और यहाँ पे बंदे पूछ रहे हैं और कंफ्यूज है कि क्या यही BGMI में आएगी कि नहीं आएगी। तो गाइस देखिए मैं आपको ज्यादा तो नहीं घुमाऊंगा फिराऊंगा, मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ कि चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि एज इट इज सेम जो लकी स्पिन है, हो सकता है थोड़े बहुत आइटम हटा दें, लेकिन जहां तक लगता है कि एज इट इज सेम हमको BGMI में देखने के लिए मिलेगी 25 जनवरी के बाद, जब 3.0 अपडेट आ जाएगा 26 जनवरी तक हमको ये इवेंट देखने के लिए लकी स्पिन देखने के लिए BGMI में मिल जाएगी। काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि सेम जो कॉन्सेप्ट है सेम रहने वाला है। बाकी भाई देखो अगर पबजी मोबाइल वाले सस्ते नशे ना करें तो भाई सॉरी BGMI वालों ने अगर कोई गाना ना मरवाई तो फिर ऐसा ही रहेगा, और अगर उन्होंने फिर से कोई नई चोट कर दी तो फिर से एक रेट में उठा के दे देंगे जिससे कि फिर गालियां निकल जाएंगे मुंह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, जहां तक लगता है कि हाई चांसेस यही है कि ये आपको जो है एज इट इज सेम लकी स्पिन में ही देखने के लिए मिलेगा BGMI के अंदर। तो इतनी सारी चीजें गाइस मैंने कवर कर दी हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी हो तो जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से मेरा जय श्री राम और धन्यवाद।